यूपी के बाराबंकी जिले में भारी बारिश से जगह जगह जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। ऐसे में यहाँ स्कूल जा रहे छात्रों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के विकास खंड रामनगर की ग्राम पंचायत पूरे भगई के ठाकुरिया गांव के प्राथमिक विद्यालय के पास हुए जलभराव से छात्रों को स्कूल आने जाने में दिक्कत हो रही है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर क्या है छात्रों का कहना। ग्राम पंचायत पूरे भगई के ठकुरिया गांव में आप लोग देख सकते हैं कि लिंक रोड से पानी भरा हुआ है और स्कूली जो बच्चे हैं वो पानी में पिल के जा रहे हैं, लेकिन यहां पे विकास विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अनदेखा कर रहे हैं। आइए उन बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा? प्रिंस। किस कक्षा में हो? फोर। कहाँ पढ़ते हो? गाँव में। क्या नाम है स्कूल का? प्राथमिक विद्यालय पूरे भगई। अच्छा, क्या समस्या है आप लोगों? पानी में डेली आते हैं। अच्छा, तो प्रधान लोग ये नहीं बनवा रहे हैं क्या? नहीं बनवा रहे। आपका क्या नाम है? रविकांत। अच्छा, क्या ये पानी में प्रतिदिन जाते आते हैं इसी पानी में? तो जूते मोजे भी नहीं पहन पाते होंगे। तो गांव के प्रधान हैं जो भी हैं अधिकारी हैं, क्या गांव वाले को इस बात की है? आपने शिक्षा विभाग में बताया किसी को कि हम लोग पानी में पिल के आते हैं रास्ता नहीं? मास्टर साहब। हाँ, आपका क्या नाम? रानू। किस कक्षा में हो? आठ। अच्छा, क्या है आप प्रतिदिन आते हैं पानी में? जी। अच्छा, तो क्या चाहते हो, किसी से कहना चाहते हो कुछ कि पानी में आते जाते हो? जी। हाँ, क्या कहना चाहते हो? रोड बन जाए। रोड बन जाए। हाँ, देखिए यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं सड़क बनवाने की मांग कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। क्या समस्या है? समस्या ये है कि जहाँ इंटरलॉकिंग ना लगनी चाहिए वहाँ लग रही है, और यहाँ बच्चे स्कूल आते जाते हैं पानी में भर भर के। यहाँ इंटरलॉकिंग का कार्य नहीं हो रहा है, बुलरिया में हो रहा है और पूरे भगाई में हो। अच्छा, प्रधान कौन है यहाँ का? लज्जावती। अच्छा, तो उनसे आप लोगों ने बात किया? हाँ, कई बार कहे हैं लेकिन यहाँ सुन नहीं रहे। नई इंटरलॉकिंग वहाँ लग रही है, गुलरिया में लग रही है, और यहाँ बच्चे जूता मोजा चप्पल कुछ पहन के स्कूल नहीं जा पा रहे। तो ब्लॉक के उच्च अधिकारियों से आपने इसकी कहीं शिकायत की? नहीं, एडीओ साहब से कही थी, अब बीडीओ साहब से आज हम उनको अवगत कराएंगे, और बाकी हम शुक्रवार को डीएम साहब के वहाँ एक पत्र लिखकर फोटो इसका निकाल के डीएम साहब को देंगे। अच्छा, ये यही पे जल भराव की पूरे गांव में समस्या? नहीं, यही जल भराव है, पूरे गांव में नहीं समस्या, यहीं पे जल भराव है, यहीं से बच्चे सब स्कूल जाते हैं। अच्छा, तो शासन प्रशासन से और क्या मांग करना चाहते हैं? अरे, ये इंटरलॉकिंग ये लगवा दें या कुछ इसका ऊंचा करवा दें कुछ, यही हम शासन से मांग करना चाहते हैं। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।